सब हमारे प्रेस के मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं उनका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे पहले आज से कोई 50 साल पहले सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथपुरी में हुआ करती थी, लेकिन हमारी संस्था इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की कृपा से ये आज 700 के करीब शहरों में, विश्व के शहरों में ये रथ यात्रा होती है। इसका उद्देश्य प्रभुपाद जी ने क्यों शुरू की, इसका एक ही उद्देश्य था कि सब जीवों को भगवान की सेवा में किसी न किसी तरीके से लगाया जाए। कि जो हमारे भाई हैं वो जानते होंगे कि किस तरीके से एक वैदिक संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। आज कोई भी ऐसा बड़ा किसी देश का शहर नहीं है जहाँ इस्कॉन का प्रचार नहीं हो रहा। कृष्ण उड़ीसा में पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र भी कहा जाता है जगन्नाथपुरी में। यह लगभग 120 किलोमीटर का एरिया है जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि ये जो श्री क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र इस पृथ्वी लोक से अलग है। आज के समय में जगन्नाथपुरी को कलयुग का धाम माना जाता है और हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम जाना चाहिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए, जगन्नाथ जी का रथ खींचना चाहिए और जगन्नाथ जी को रथारूढ़ दर्शन करने चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है लाखों लाखों लोग उस रथ यात्रा में भाग लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश के कोने कोने से व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते, नहीं पहुँच पाते, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये अवसर मिला, प्रभुपाद जी ने ये हमें प्रदान किया कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व के कोने कोने में हो। जिसको हम भूल गए हैं उसको पुनः स्थापित करके भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुखारविंद से उनकी जो कथा है उनको सुन करके, भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन सुन करके अपने खोए हुए संबंध को पुनः हम स्थापित करें और जीवन को आनंद में लाएं। इस रथ यात्रा का यही परमात्मा ने बलभद्रा सुभद्रा जगन्नाथ ओम ज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय गोविंद प्रभु जी ने जैसे कहा कि आठवीं रथ यात्रा खन्ना में 8 तारीख को बड़ी धूमधाम से निकलने जा रही है। ये रथ यात्रा का जो मेन उद्देश्य था इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का, वो था कि भगवान जगन्नाथ की कृपा जो केवल पुरी तक सीमित है उसे सारे विश्व को दिया जाए और जो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, जो उद्देश्य है, जो ये मनुष्य जीवन हमको मिला है। ओके, सो दिस एज वी कॉल इट कलयुग and our Prabhupada said most of the people in Kali Yuga are the by nature lazy, misguided and misfortune. So some or other Srila Prabhupada came and it is said by, you know, Lord Krishna is merciful, but his pure devotees are more merciful. So Prabhupada came to the West. Usually the Jagannath Ratha Yatra is known only in India. I'm coming from Christian background, we don't know about Ratha Yatra. But when Prabhupada came in 1972,
And then our country also started Ratha Yatra. So I'm traveling different countries in the world, and mostly I'm attending also Ratha Yatra. In Hong Kong there will be Ratha Yatra, in Pakistan there is Ratha Yatra. So the unity is there, Lord Jagannath unites everything. So in Malaysia also, after this I'm going to Malaysia, there will be 16 Ratha Yatras in a year. So this is Jagannath's mercy. The people will not go to the temple, but the Lord will come out to give. Mera naam Priya Govindas Pavan Sachdeva नाम है मेरा. तो ये हमारी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, आठवीं रथ यात्रा इस शहर में होने जा रही है. और ये रथ यात्रा सब्जी मंडी अमलोह रोड से 8 जुलाई को दोपहर को एक बजे शुरू होगी. और इसका रूट रहेगा, ये सब्जी मंडी से फिर जाएगी गुलमोर रोड, मंदिर श्री देवी द्वाला चौक, मलेरकोटला रोड, जीटीबी मार्केट, जीटी रोड, मोहल्ला माता रानी, जूनियर एएस मॉडर्न स्कूल, पीर खन्ना रोड, मलेरकोटला रोड, फिर जीटी रोड की दूसरी तरफ आएगी, फिर समराला रोड चौक, नई आबादी चौक, रेलवे रोड चौक, शिवपुरी मोहल्ला चौक, ललहेड़ी रोड चौक. इसके ऊपर इनके स्टॉपेज हैं ये, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ. फिर बस स्टैंड, समाधि रोड, नरोत्तम नगर, नज़दीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स खन्ना के पास आकर ये संपन्न होगी. इसके बाद जगन्नाथ जी का विशाल भंडारा है वहाँ समाधि रोड पर. तो हम आपके थ्रू सब शहरवासियों को आमंत्रित करते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद उस भंडारे में ग्रहण करने के लिए. और सब शहरवासियों को हम विनती करते हैं कि वो इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें. वृंदावन से भक्त आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ और भी आएंगे उस दिन 8 जुलाई को. मायापुर धाम से आएंगे, और जगन्नाथपुरी से, और कुरुक्षेत्र धाम से आएंगे, और आसपास के शहरों से भी, लुधियाना, चंडीगढ़ और अम्बाला, करनाल, ऐसे सब शहरों से भक्त लोग आएंगे कीर्तन करने के लिए. खन्ना तो पत्रकार परमजीत सिंह तिमान की खास रिपोर्ट. और आप पहली आरती करेंगे, तत्पश्चात रथ को जाए रथ यात्रा पर. प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से लेके आए. मालती माता जी दास प्रभु जी इस कौन चंडीगढ़, इनको भी वेलकम करते हैं इस कौन खन्ना की तरफ से. हिज ग्रेस अकिंचन प्रिय प्रभु जी इस कौन चंडीगढ़, जिनकी दिशा निर्देश से ये 8वीं रथ यात्रा. जनरल सैकटरी हरविंदर शट्टू जी चानना पाएंगे थोड़ा इतने आने, एक बार फिर हार्दिक स्वागत. हरे कृष्णा.